नमस्कार साथियों, अश्विनी जीएस क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग भूगोल में, ज्योग्राफी में माउंटेन के सेकेंड पार्ट को देखेंगे और आज हम लोग ओरिजिन के बेस पर, इसके बेस पर, ओरिजिन के बेस पर उत्पत्ति के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण देखेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण क्या है, कितने भागों में बांटा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि धरातल के अंदरूनी भागों में क्या होता है कि धरातल के अंदरूनी भागों में जो हलचलें होती हैं, जो दबाव होता है, जो तनाव पड़ता है ना, तो या उभार होता है, तो उसी के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण किया जाता है। तो कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है इसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। यह चौथा टाइप है हम लोगों का, जो है पर्वतों का टाइप में हम लोग फोर्थ टाइप को देख रहे हैं आज हम लोग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर चौथा टाइप जो है हम लोगों का, वह है उत्पत्ति के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण को आज हम लोग देखने वाले हैं। उत्पत्ति के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण कितने भागों में बांटा जाता है। इसमें एक बात को ध्यान देना है कि दबाव, तनाव, उभार के आधार पर ही हम पर्वतों का वर्गीकरण कर रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर के चीजों में। और इसमें जो पहला प्रकार है साथियों, जो पर्वतक, क्योंकि आप जानते हैं कि जो माउंटेन होते हैं, धरातल कहीं भी एक समान नहीं है, अनेक ऊंचावच यहाँ पर पाए जाते हैं। कहीं पे पठार है, कहीं पे पर्वत है, कहीं पर नदी है, कहीं पर झरना है। तो ये सब जितने भी स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, ये स्थलाकृतियाँ जो हैं, ये विभिन्न प्रकार के लाखों करोड़ों वर्षों के भू संरचनाओं में परिवर्तन होने के बाद ही ऐसी घटनाएँ उत्पन्न हुई हैं। पर्वतों का निर्माण भी इसी तरह से हुआ है, जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि पर्वत किस तरीके से हैं, और कुछ पर्वत ऐसे हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि पर्वत की जो हाइट वगैरह है वह बढ़ क्यों रहा है, वह बढ़ भी रहा है। कुछ पर्वत के टाइप ऐसे मैं बताऊंगा आज आपको जिन पर्वतों की हाइट अभी भी बढ़ रही है। तो आइए हम सब बात करते हैं। पहला जो इसमें आता है दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर जो वर्णन किया गया, इसमें पहला पॉइंट है आपका कि मोरदार पर्वत या बड़ित पर्वत, क्या है इसमें मोरदार पर्वत या बड़ित पर्वत के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला आपका आता है इसमें मोरदार या वलित पर्वत, इसे कहते हैं फोल्ड माउंटेन। क्या कहते हैं इसे? फोल्ड माउंटेन कहते हैं, फोल्डेड माउंटेन इसे कहा जाता है, फोल्डेड माउंटेन्स। हाँ, तो इसमें मोरदार पर्वत या बलित पर्वत। अब देखिए, जो मोरदार पर्वत या बलित पर्वत जो होते हैं, इसमें क्या होता है ये मैं आपको बताऊं। देखिए, मोरदार पर्वत जो होता है ना, ए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आपने पढ़ा होगा, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, क्योंकि जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत मतलब अकॉर्डिंग टू प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, अर्थ क्रस्ट इज ए फॉर्मेशन ऑफ सेवन प्लेट एंड सब माइनर प्लेट। भू आपका प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार जो धरातल के अंदर, क्योंकि धरातल के अंदर लिक्विड पार्ट है, जो आपका 33 किलोमीटर के बाद जब आप जाते हैं, है ना, मेंटल में, तो मेंटल आपका क्या है, लिक्विड पार्ट में है, क्योंकि वह सीमा है। क्या है वह? सीमा है। यहाँ पर इस बात को ध्यान देना होगा आपको कि वह क्या है, सीमा है। सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा है। देखिए, धरातल का बनावट भी बहुत गजब तरीके से हुआ, पृथ्वी की बनावट। आप अंदरूनी भाग में जाते हैं तो वहां पर भारी आपको ऐसे चीज मिलते हैं जिसे घनत्व ज्यादा है। जैसे अंदरूनी भाग में जब आप जाते हो धरातल के अंदर जब आप अंदरूनी भाग में जाते हो साथियों, जैसे कि आप आपका ए हो गया, और ये देखो ये आपका है, तो ये जो मेंटल है आपका ना, ये जो आपका भूपरपटी होता है ना, ये आपका देखो क्या है, ये आपका, तो ये जो पार्ट होता है 33 किलोमीटर तक आपका है, 33 किलोमीटर, और ये आपका 2900 किलोमीटर तक होता है, और ये आपका जो है, जो बीच में जो त्रिज्या है, यह एक्स जो यह है 6371 किलोमीटर त्रिज्या है पृथ्वी का। कितना है? 6371 किलोमीटर त्रिज्या है। आप जैसे जैसे धरातल के अंदर जाओगे तो घनत्व भी बढ़ता जाता है, जैसे कि मैं आपको चर्चा कर चुका हूँ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में, कि जैसे जैसे आप अंदरूनी भाग में जाओगे तो जो घनत्व होता है, जो डेंसिटी होता है, वह बढ़ता जाता है। बढ़ता इसलिए क्योंकि धरातल के अंदर, जैसे ये जो आप देख रहे हो, ये बीच वाला जो भाग वाला जो छोटा सा दिखाई पड़ रहा है, ये इनर क्रोड का है, मतलब आंतरिक क्रोड है, या आंतरिक क्रोड। अब इसके ऊपर में देखोगे या बाह्य क्रोड है, या आंतरिक क्रोड है, या बाह्य क्रोड है। आंतरिक क्रोड और बाह्य क्रोड जो है, यह किससे बना हुआ है? निफे से बना हुआ है, निकल एंड फेरस। तो इनका घनत्व ज्यादा होता है क्योंकि ये भारी तत्व है। क्या है? ये भारी तत्व है। और जब इसके ऊपर में जाओगे मेंटल में,
ये आपका देखो मेंटल है, इसे कहते हैं, ये देखो हो गया तुम्हारा नीफे, NIFE नीफे, और इसके ऊपर में जाओगे तो हो गया तुम्हारा सीमा, SIMA। तो ये निकेल एंड फेरस से हल्का, निकेल एंड फेरस से हल्का कौन है, सियाल और सॉरी सिलिका एंड मैग्नीशियम पदार्थ है, और इससे भी हल्का आप देखोगे तो आपका क्या है, सियाल है, SIAL सिलिका। सिलिका एंड एल्युमिनियम जो होते हैं ये हल्के होते हैं, ठीक ना, हल्के होते हैं, इसीलिए जो घनत्व होता है ऊपर में घनत्व कम होता है और अंदरूनी भाग में घनत्व ज्यादा होता है, इसलिए ज्यादा होता है। यहाँ पर केंद्र तक तो यहाँ पर 12-13 घनत्व पहुंच जाते हैं, इसलिए ज्यादा पहुंचते हैं क्योंकि यहाँ पर भारी पदार्थ जो है आपका निकेल एंड फेरस जैसे तत्व यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये रही आपकी एक चीजें। तो हम जो देखने वाले हैं तो मुर्दार पर्वत जो होता है, देखिये मुर्दार पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ, तो जो भूपर्पटी है वह तैर रहा है मेंटल के ऊपर, क्या कर रहा है, तैर रहा है, प्लेटें आपस में टकराती हैं, प्लेटों के आपस में टकराने से क्या होता है, दो तरह की क्रियाएं होती हैं, फोल्डिंग या फल्टिंग, क्या होता है, फोल्डिंग या फल्टिंग। यदि फोल्डिंग होगा या यह हो गया बलित होना, यह हो गया भ्रंश होना, ये बलित होना ये भ्रंश होना, बलित होगा तो माउंटेन का निर्माण होगा और भ्रंश होगा तो ये दरारें खुल जाती हैं, जैसे नर्मदा और ताप्ती नदी जो भारत की है, ये दो नदियां ऐसी हैं जो भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं, कहां से होती हैं, भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं। राइन नदी है यूरोप का, वो भी जैसे भ्रंश घाटी से होकर बहती है, और ये आपका जैसे हिमालय पर्वतों का निर्माण हुआ तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, क्या था, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, दो प्लेटें आपस में जब टकराई थी तो दो प्लेटों के टकराने से, क्योंकि आप जानते हो कि जो है जैसे आप देख रहे हो ये आपका जो है सो यूरोप है, क्या है, ये आपका यूरोप है, और यहाँ पे आप जब आओगे तो जो है सो ये आपका जो है सो इंडिया है, इंडिया का पार भाग ऐसे होता है यहाँ पर इस तरीके से, ठीक ना, यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक ना, ये आप देखोगे तो यहाँ पर जो है सो आपका ये अफ्रीका आ जाता है, क्या आ जाता है, ये आपका अफ्रीका कंटिनेंट है, ठीक, और यहाँ पर आगे तो आपका जो है यह नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका यहाँ पर आता है, ये नॉर्थ अमेरिका है, और ये आपका जो है साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका, यूरोप है ना, एशिया। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब यहाँ से तुम जाओगे तो यहाँ पर जब ये देखो अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, देखो जितने भी स्थल भाग थे, जितने भी स्थल, ये सब बीच में नदी, ये सब बीच में जल का भाग है, समुद्र है, सब बीच में जलीय भाग है ना, समुद्र है ना बीच में, ये सब जलीय भाग है समुद्र में, तो ये सब आप देख रहे हो, ये सब जलीय भाग है यहाँ पर, और यहाँ पर जलीय भाग दोनों तरफ है, तो ये आप देख रहे हो इस तरीके से कि ये जो जलीय भाग है, पर जलीय भाग था ही नहीं, वो अलग था, स्थलीय भाग क्या था, स्थलीय भाग पूरा सटा हुआ था एक दूसरे में, लेकिन लाखों करोड़ों वर्षों के भू संचलन के कारण, भू परिवर्तन के कारण क्या हुआ, ये जो स्थल भाग धीरे धीरे अलग होते चले गए और इस आकृति में आज पहुंच गए, जैसा कि आप मैप में आज देखते हो। तो देख रहे हो यहाँ पर आपके जो ये आपका अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की प्लेटें जब थी, जब वो टकराई, तो टकराने के बाद जो आपका जो गोंडवाना लैंड का पार्ट था वो यूरेशियाई प्लेट में जाकर के धक्का मारा, और जो यहाँ पर हिमालय पर्वत था यहाँ पर टैथिस सागर था, स्पष्ट लिख रहा हूँ, टैथिस सागर था यहाँ पर, और टैथिस सागर क्या हुआ कि जब ये अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड टकरा यूरेशियाई प्लेट की तरफ, जब यह बढ़ा तो यूरेशियाई प्लेट की तरफ गोंडवाना लैंड जब ऊपर की ओर बढ़ा तो ये जो जल भाग था ये अंदर चला गया और ऊपर में उभार आ गया, मतलब वलित हो गया, और यही वलित इस आकार का हो गया जिसके चलते माउंटेन का निर्माण हो गया। तो हिमालय माउंटेन का निर्माण कैसे हुआ है, तो वलित होने से हुआ है, कैसे हुआ है, वलित होने से हुआ है, समझ गए, हाँ, वलन पड़ने से हुआ है। तो ये आपका पर्वतों का निर्माण हो जाता है, यही वलित पर्वत होते हैं। देखिए जो आपके मुर्दार पर्वत होते हैं, मुर्दार पर्वत में क्या होता है कि इसमें ऐसे कुछ जीवों का क्या होता है कि जो मुर्दार पर्वतों में छिछले सागर में रहने वाले मुर्दार पर्वत जो होता है इसमें छिछले सागर में रहने वाले जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा पर्वत है जिसमें जीवों के अवशेष पाए जाते हैं, छिछले सागर में रहने वाले जीवों के अवशेष पाए जाते हैं, आप तुरंत इसका आंसर बता दोगे कि मुर्दार पर्वत या बलित पर्वत ऐसे पर्वत हैं इसमें छिछले सागर में रहने वाले जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। छिछला सागर क्या होता है, तो छिछला सागर जो होता है जो सी है, इसमें जैसे कम पानी में रहने वाले जो जीव होते हैं वे के उनके अवशेष, उन जीवों के अवशेष इसमें पाए जाते हैं, समझ गए। अब आइए हम सब देखते हैं कि आपका जो ये
मोड़दार या बड़ी पर्वत होता है ये किस तरीके से भूसंरचना के कारण परिवर्तन होता चला जाता है। जैसे पहले जो होता है, पहले क्या होता है कि जो इस तरीके से आपका क्या होता है कि ये जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे कि ये आपका इस तरीके से ये है। अब इसमें क्या होता है कि ये इस तरीके से जो है आपका ये रहता है, धीरे धीरे भूसंरचना में परिवर्तन हो रहा है, देख रहे हो धीरे धीरे भूसंरचना में परिवर्तन होता जा रहा है और परिवर्तन होता जा रहा है भूसंरचना में धीरे धीरे और परिवर्तन होने से देख रहे हो कैसे परिवर्तन हो रहा है। ये तुम्हारा सामान्य टाइप का है, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ, बलित हो रहा है धीरे धीरे। और अब जब लास्ट में जब आकर देखोगे आप तो लास्ट में क्या होता है इनमें पर्वतों का निर्माण हो जाता है, क्या हो जाता है पर्वतों का निर्माण हो जाता है इसमें, यही होता है बलित पर्वत, समझ गए। देख रहो धीरे धीरे तीन स्टेप मैंने दिखाया, पहला दूसरा तीसरा, इसमें कम बलन है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा बलन है, इसमें पर्वतों का निर्माण हो चुका है। तो इसी तरह से पर्वतों का निर्माण होता है, बलित पर्वत इसी तरह के होते हैं। बलित पर्वतों को दो भागों में बांटा जाता है, कितने भागों में, दो भागों में। एक होता है आपका जो है यंग फोल्ड माउंटेन, क्या होता है यंग फोल्ड माउंटेन, यंग फोल्ड माउंटेन, यंग फोल्डेड माउंटेन, यंग फोल्डेड माउंटेन होता है एक आपका, एक होता है ओल्ड फोल्डेड माउंटेन, कौन होता है दूसरा जो होता है आपका, वो होता है ओल्ड ओल्ड फोल्डेड माउंटेन, यंग फोल्ड माउंटेन, ओल्ड फोल्ड माउंटेन, नवीन बलित पर्वत और प्राचीनतम बलित पर्वत। यंग फोल्ड माउंटेन का मतलब नवीन बलित पर्वत, नवीन बलित पर्वत, और दूसरा होता है प्राचीनतम बलित पर्वत, समझ में आ गया, नवीन बलित पर्वत और प्राचीनतम बलित पर्वत होते हैं। तो नवीन बलित पर्वत में कौन कौन से पर्वत आते हैं, इसका आपका एग्जाम्पल पूछा जाएगा तो क्या बताओगे आप, तो नवीन बलित पर्वत में क्या होता है इसका एग्जाम्पल है कि नवीन बलित पर्वत में कौन कौन से ऐसे माउंटेन पाए जाते हैं या कौन कौन से माउंटेन आते हैं नवीन बलित पर्वत में जिनका विकास कुछ वर्ष पहले ही हुआ है, और यंग और ओल्ड फोल्ड माउंटेन बहुत बहुत पहले जो प्राचीन हो चुके हैं। तो यंग फोल्ड माउंटेन में आपका आता है रॉकी, रॉकी माउंटेन इसमें आता है, कौन आता है रॉकी माउंटेन आते हैं इसमें, आपका आल्पस पर्वत आता है, कौन आता है आल्पस माउंटेन आते हैं, और कौन आता है तो और आपका इसमें हिमालय पर्वत आते हैं, कौन आते हैं हिमालय पर्वत इसमें आपके शामिल हो जाते हैं, ये आपके यंग फोल्डेड माउंटेन है। जबकि ओल्ड फोल्ड माउंटेन में देखा जाए कि ओल्ड फोल्ड माउंटेन में क्या आता है, तो ओल्ड फोल्ड माउंटेन में यूराल पर्वत, यूराल पर्वत का नाम सुने हो, जो यूरोप और एशिया को अलग करता है, क्या करता है यूरोप और एशिया को अलग करता है, उसे यूराल पर्वत कहा जाता है। यूराल पर्वत, यूराल पर्वत का डेफिनेशन नहीं है वह, लेकिन यूराल पर्वत क्या करता है उसका जो सबसे बड़ी विशेषता है तो यूरोप और एशिया को वह अलग करने का काम करता है। दूसरा जो है आपका वह है विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, ये भी आपका ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, क्या है ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। अगला आता है आपका अरावली, क्या होता है अरावली पर्वत श्रेणी जो है जो राजस्थान में है, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है सो आपका गुरु शिखर है, जो माउंट आबू पर्वत पे है गुरु शिखर, तो ये जो होता है आपका ये देख रहे हो आप लोग की जो अरावली, ये सब क्या है ओल्ड फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल है, प्राचीनतम बलित पर्वत के एग्जाम्पल है। देखो यहाँ पर कुछ घटना वैसे नहीं हो सकती है क्योंकि ये प्राचीन हो चुके हैं, लेकिन जो यंग फोल्ड माउंटेन है नवीन बलित पर्वत है यहाँ पर कुछ भी घटना कभी भी घटित हो सकती है, इस बात को आपको भूलना नहीं चाहिए, ठीक ना। आप इस तरीके से समझिए, समझ करके याद करेंगे तो अच्छे तरीके से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो रॉकी माउंटेन क्या है कि रॉकी माउंटेन, आल्पस हिमालय, ये सब नवीन फोल्ड माउंटेन है, नवीन बलित पर्वत है, यहाँ पर कुछ भी घटनाएं हो सकती है, इसलिए भूकंप वगैरह की ज्यादा जो खतरा है ये पूरा ऐसा पर्वतों में भूकंप के खतरा ज्यादा मंडराते रहते हैं, समझ गए। रॉकी माउंटेन का विस्तार कहाँ है यूएसए में है, कहाँ है यूएसए में है आपका, समझ गए। और इसके बाद आप देख रहे हो ये हो गया आपका बलित पर्वत, आपने देखा कि बलित पर्वत के प्रकार किस तरीके से हैं, कौन कौन से दो प्रकार इसमें आते हैं, कैसे इनका निर्माण होता है, ये भी आपने देख लिया। अब जो हम बात करने वाले हैं आपसे अगला, तो हिमालय पर्वत में आपको याद रहे कि हिमालय पर्वत जहां पर आज था, आज हिमालय पर्वत जहां पर आप देख रहे हो वहां पर पहले क्या था तो टैथी सागर था वहां पर, लेकिन अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की जो चट्टाने थी आपस में जब टकराई, टकराने के बाद जो है यूरेशियाई प्लेट की तरफ गोंडवाना लैंड जब थोड़ा सा जो जब शिफ्ट हुआ ऊपर गया, इसके चलते जो टैथी सागर था वह नीचे चला गया, धरातल के अंदर चला गया और वहां पर नवीन हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया, समझ गए। इसे आप लोग नोट कर लेना कॉपी में क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताया, समझ गए। आइए अब हम सब बात करते हैं कि इसमें उत्पत्ति के आधार पर दूसरा प्रकार कौन सा आता है, दूसरा प्रकार माउंटेन कौन से है इसमें, दूसरा माउंटेन के प्रकार इसमें कौन से हैं यदि देखा जाए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम में आप देखोगे प्रीवियस ईयर के पेपर में तो कई सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं और उठाए गए हैं, मैं बहुत ही
बहुत ही डिस्क्राइब करके आपको चीजों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे कि आपके एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर न जाने पाए। ये दूसरा देखो क्या है आपका, जो इसे कहते हैं अवरोधि पर्वत, क्या कहते हैं अवरोधि पर्वत होता है, अवरोधि पर्वत, इसे भ्रंश पर्वत भी कहते हैं, क्या बोलते हैं भ्रंश पर्वत, इसे खंड पर्वत भी कहते हैं, खंड पर्वत या खंड पर्वत के साथ इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग ब्लैक फॉरेस्ट भी कहा जाता है, क्या बोलते हैं ब्लैक माउंटेन, क्या बोलते हैं ब्लैक माउंटेन भी इसे हम लोग कहते हैं, इतने नाम इसके हैं, अवरोधि भ्रंश खंड या ब्लैक पर्वत कहा जाता है। ये होता क्या है तो इनका निर्माण कैसे होता है इसके बारे में यदि देखें, इनका निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग में, इनका निर्माण जो होता है, इनका निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग में, आंतरिक भाग में, पृथ्वी के आंतरिक भाग में हलचलों के साथ, इसके साथ हलचलों, ये आंतरिक है आपका, आंतरिक पृथ्वी के आंतरिक भाग में हलचलों के साथ जब तनाव खिंचाव, तनाव खिंचाव या फिर जो तनाव होता है खिंचाव होता है ना, जब ये जब काम करती है शक्तियां धरातल के अंदर, तो क्या होता है इनका निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग में हलचलों के पृथ्वी के आंतरिक भाग में हलचलों के साथ जब तनाव होता है, हलचलों के साथ क्या होता है तनाव होता है, खिंचाव होता है, जिसके चलते क्या होता है कि धरातल पर किसी भाग में ये क्या पर हलचल या खिंचाव के कारण क्या होता है, कारण धरातल पर क्या होता है भ्रंश बन जाता है, क्या बन जाता है भ्रंश बन जाता है, क्या हो जाता है भ्रंश या दरार पड़ जाने लगती है, भ्रंश या दरार पड़ जाता है, भ्रंश या दरार जब पड़ जाता है तो दरार पड़ने से ही इन पर्वतों का निर्माण होता है। आप देखें इनका निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग में हलचलों के साथ जब तनाव और खिंचाव होता है तो इन्हीं के कारण धरातल पर क्या होता है भ्रंश या दरार पड़ जाता है, और भ्रंश या दरार पड़ने से ही इन पर्वतों का निर्माण होता है, अवरोधि पर्वतों का निर्माण होता है, समझ गए, ब्लॉक माउंटेन का निर्माण होता है। और ये जो तनाव होता है तनाव लंबवत होते हैं, तनाव कैसे होते हैं तो तनाव इसमें क्या होता है छात्रों कि लंबवत होता है, क्या होता है लंबवत तनाव होता है, और लंबवत तनाव होने से ही इन पर्वतों का निर्माण हो जाता है। तो इन पर्वतों का थोड़ा सा हम लोग ग्राफ देखें, इन पर्वतों का ग्राफ कैसे बनता है, कैसे इन पर्वतों का निर्माण होता है, क्योंकि ग्राफ भी हम लोग थोड़ा सा देखते चलेंगे यदि तो हम लोग को समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, समझ गए, तो थोड़ा सा आसान जब हो जाएगा तो आप चीजों को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। देखिए इनका जो निर्माण होता है ना इस तरीके से इनका निर्माण होता है, ठीक, ये देखिए ये आपका है, ये देखिए आपका, ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया माउंटेन, कौन सा माउंटेन है ब्लॉक माउंटेन का निर्माण ऐसे ही होता है, ये ब्लॉक माउंटेन है, ये ब्लॉक माउंटेन के हैं आपके ये फिगर है या चित्र है। अब यदि देखा जाए एग्जांपल किसमें कौन कौन से पर्वत या माउंटेन आते हैं, जिसमें माउंटेन जब शामिल होते हैं तो आप देखोगे कि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे उत्तरी अमेरिका का सियरा नेवादा, क्या है उत्तरी अमेरिका का सियरा नेवादा इसका एग्जांपल है, उत्तरी अमेरिका का जो सियरा नेवादा है यह सबसे विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत है, विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत है, क्या है ब्लॉक पर्वत है, विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत कौन सा है तो विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत उत्तरी अमेरिका का सियरा नेवादा है, ये आप याद कर लेंगे और लिख लेंगे इसे, समझ गए। अगला है फ्रांस का वास्जेस माउंटेन भी आपका अवरोधि पर्वत का ही एग्जांपल है, किसका है अवरोधि पर्वत का ही एग्जांपल है। इसके बाद जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट भी इसका एग्जांपल है। और यदि आप देखोगे कि आपका पाकिस्तान का सॉल्ट रेंज, क्या है पाकिस्तान का सॉल्ट रेंज जो है ये भी आपका एग्जांपल है अवरोधि भ्रंश खंड या ब्लॉक पर्वत का, तो ये एग्जांपल आप अपने कॉपी में लिख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें मैं आपको बताया हूँ।
ये समझ गए, इनका निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग में हलचलों के साथ जब तनाव और खिंचाव होता है, इसके कारण क्या होता है कि धरातल पर भ्रंश या दरार पड़ जाते हैं, और इन्हीं भ्रंश और दरार पड़ने के कारण ऐसे अवरोधी पर्वतों का निर्माण होता है, ब्लॉक माउंटेन का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। और यह तनाव कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं तनाव, और इन्हीं से इनका निर्माण हो जाता है। ये टाइप भी आप देख लीजिए कि टाइप कौन कौन से हैं, समझ गए। आइए हम सब बात करते हैं अगला जो माउंटेन है, अगला माउंटेन कौन सा इसमें शामिल होता है, अगला है ज्वालामुखी पर्वत। क्या है, उत्पत्ति के आधार पर दूसरा प्रकार आपने देख लिया, अब आप जो तीसरा प्रकार देखने वाले हैं वह है आपका ज्वालामुखी माउंटेन। कौन सा है, ज्वालामुखी माउंटेन। यह भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, ज्वालामुखी माउंटेन। तो ज्वालामुखी माउंटेन का निर्माण कैसे होता है, ज्वालामुखी माउंटेन का निर्माण क्या कैसे होता है, बड़ा सिंपल है, आप इसे याद कर लीजिए तुरंत आसानी शब्दों में। तीसरा जो है आपका इसमें वह है ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत कहिए या फिर आप संग्रहित पर्वत कहिए, क्या कहिए, संग्रहित पर्वत कहिए, या फिर आप संचयित पर्वत भी कह सकते हैं, संचयित पर्वत। ये एक ही जो है सो प्रकार है, एक ही प्रकार माने जाते हैं, चाहे ज्वालामुखी पर्वत, संग्रहित पर्वत, संचयित पर्वत या वोल्केनिक माउंटेन कहा जाता है, नहीं क्या बोलते हैं, वोल्केनिक माउंटेन कहा जाता है, वोल्केनिक माउंटेन इन्हें कहा जाता है, समझ गए, ज्वालामुखी माउंटेन कहा जाता है। इनका निर्माण कैसे होता है छात्रों, इनका निर्माण यदि देखा जाए, इनका निर्माण देखिए इस तरीके से होता है, ये जो ज्वालामुखी माउंटेन है आपके, इनका निर्माण किस तरीके से होता है, इनका निर्माण आप देख रहे हो इस तरीके से इनका निर्माण होता है, ऐसे पर्वतों का, समझ गए, माउंटेन पर ए आपका ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण कैसे होता है भाई, तो ऐसे ज्वालामुखी माउंटेन का निर्माण होता है, समझ गए। ए आप देख रहे हो ज्वालामुखी माउंटेन का, ए आपका मैग्मा इत्यादि होता है अंदरूनी भाग में, मैग्मा लावा इत्यादि होता है, और पृथ्वी के आंतरिक भाग से आप देख रहे हो कि आंतरिक भाग से जो नली है, निकास नलिका जिसे कहते हैं, ज्वालामुखी उद्गार जहां से होता है, ये निकास नलिका जहां पे आपका पूरा भर जाता है, पूरा ये मेघ हो जाते हैं, यहां से विस्फोट हो जाता है जो पूरा ज्वालामुखी का, समझ गए। तो ये निकलने के बाद क्या होता है कि ये आपका जमाव हो जाता है, क्या हो जाता है, जमाव, लावा मैग्मा इत्यादि जब निकलते हैं ऐसे, तो 80% ज्वालामुखी विस्फोट जब होता है तो 80% के करीब लगभग जलवाष्प ही निकलते हैं, और जलवाष्प निकलते हैं 80% लगभग, समझ गए। और जलवाष्प जब निकलते हैं तो जलवाष्प निकलने से क्या होता है, इन्हीं जलवाष्प निकलने से ये फिर ऊपर चले जाते हैं, और ऊपर जाने के बाद क्योंकि वो हल्के होते हैं, और ऊपर जाने के बाद जैसे संघनित हो जाते हैं, संघनित होकर के ठंडे होकर के वहां पर फिर वर्षा करते हैं जब, तो उसी से क्या होता है कि महासागरों का निर्माण भी उसी तरीके से हुआ है, समझ गए। तो ज्वालामुखी जो होता है पर्वत, ये आपके ज्वालामुखी विस्फोट के द्वारा अंदर से निकलने वाले जो लावा मैग्मा इत्यादि होते हैं उन्हीं के जमाव से ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है, वोल्केनिक माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। इसमें कौन कौन से एग्जांपल हैं, इसमें आपका जो है जैसे जापान का फ्यूजियामा, क्या होता है, जापान का फ्यूजियामा इसका आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, समझ गए। और म्यांमार का पोपा, ये दोनों जो माउंटेन है आपके, ये किससे बने हैं, ये अम्लीय लावा से बने हैं, कैसे बने हैं ये भी पूछ सकता है, ये अम्लीय लावा से बने हैं, समझ गए, ये अम्लीय लावा से बने हैं, जापान का फ्यूजियामा, म्यांमार का पोपा, ये अम्लीय लावा से बने ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण है। इसके अलावा आप देखो कि हवाई द्वीप समूह पे जो है सो माउंटेन है, तो हवाई द्वीप जो है आपका समूह जो होता है वहां का मूना लोवा, क्या है, हवाई द्वीप समूह का मूना लोवा, हवाई द्वीप समूह का मूना लोवा जो माउंटेन है, जो आपका ज्वालामुखी पर्वत है, यह क्षारीय लावा से बना है, कैसे बना है, यह आपका क्षारीय लावा से बना है, ये आपका ज्वालामुखी माउंटेन के एग्जाम्पल है, डेफिनेशन आपने देख लिया, इनका निर्माण कैसे होता है, इनका प्रकार भी आप लेंगे, इसी तरह से अन्य ज्वालामुखी माउंटेन होते हैं और इनका निर्माण इसी तरीके से होता है, समझ गए। अब हम लोग देखने वाले हैं चौथा प्रकार, उत्पत्ति के आधार पर पर्वतों के वर्गीकरण में जो चौथा प्रकार है, फोर्थ टाइप को हम लोग देखने वाले हैं कि चौथा प्रकार क्या होता है, तो चौथा प्रकार होता है अवशिष्ट पर्वत होता है, क्या होता है छात्रों, अवशिष्ट पर्वत होता है। चौथा प्रकार भी बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्या है, चौथा प्रकार है आपका अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत,
जिसे रेसिडुअल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेसिडुअल कहते हैं, अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत कहते हैं इसे, समझ गए। इसका क्या होता है, इसे घर्षित पर्वत भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे? घर्षित पर्वत भी कहा जाता है, है ना। अवशिष्ट पर्वत या घर्षित पर्वत आप कह सकते हैं, या रेसिडुअल। क्या बोलते हैं इसे? रेसिडुअल, रेसिडुअल माउंटेन जिसे कहा जाता है, रेसिडुअल माउंटेन इसे कहा जाता है। इनका निर्माण कैसे होता है? तो इनका निर्माण जो है, इनका निर्माण कैसे होता है? तो अपरदन, अपरदन के कारण इनका निर्माण होता है। कैसे? अपरदन या इरोजन से, अपरदन या इरोजन, अपरदन के कारण, अपरदन के कारण इनका निर्माण होता है, अपरदन के कारण इनका निर्माण होता है, समझ गए। अपरदन किस चीज से होता है? तो अपरदन आप जैसा कि जानते हैं, अपरदन कैसे होता है, अपरदन के लिए कौन कौन से कारण हैं? तो वर्षा है, वर्षा से अपरदन होता है, वायु से अपरदन होता है, वर्षा से अपरदन होता है, वायु से अपरदन होता है, नदियों से भी अपरदन होता है, नदियों से अपरदन होता है, वर्षा का जो जल होता है उसे अपरदन होता है, हिम नदी से भी अपरदन होता है। कैसे होता है? हिम नदी से भी अपरदन होता है। इसमें एग्जाम्पल क्या आते हैं, जैसे आप इसमें देखोगे कि जैसे इसमें क्या आते हैं, तो जैसे इसमें नीलगिरी, क्या होता है? नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां, पारसनाथ की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां, पारसनाथ की पहाड़ियां, राजमहल की पहाड़ियां, राजमहल की पहाड़ियां आती हैं इसमें। और क्या आता है? तो यूएसए का मैसा और बूटे, यूएसए का मैसा और बूटे जो माउंटेन होते हैं वो भी आपके इसके एग्जाम्पल माने जाते हैं। मैसा और बूटे इसके एग्जाम्पल माने जाते हैं, समझ गए। इनका निर्माण कैसे होता है, इनका आकार कैसा होता है, ये भी आप देख सकते हो। इसको भी मैं दिखा दे रहा हूं कि ये आकार इनका किस तरीके से होता है। ये देखो, इनका आकार जो होता है, इस आकृति के माउंटेन होते हैं, समझ गए। अब जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर कि ये आकृति के माउंटेन एक किस तरीके से बनते हैं, थोड़ा सा इनकी भी आकृति हम लोग देख लिया जाए और चर्चा कर लिया जाए। जैसे आप देख रहे हो, ए हो गए आपके, ए आपके हो गए अवशिष्ट पर्वत, ए अवशिष्ट पर्वत होते हैं। क्या होते हैं? ए आपके अवशिष्ट पर्वत होते हैं। छात्रों, अवशिष्ट पर्वतों का निर्माण जो होता है, इसी तरीके से अवशिष्ट पर्वतों का निर्माण हो जाता है। ये आपके अवशिष्ट पर्वत के एग्जाम्पल हैं जिनका निर्माण अपरदन के कारण होता है। अपरदन के कारण, अपरदन कैसे होता है? तो वर्षा, वायु, नदी के कारण जो है सो अपरदन होता है, वर्षा के जल से अपरदन होता है। इसमें नीलगिरी की पहाड़ियां, पारसनाथ की पहाड़ियां, राजमहल की पहाड़ियां और यूएसए का मैसा और बूटे पहाड़ियां इसमें शामिल हो जाती हैं, समझ गए। ए आपका टाइप है। एक आपका पांचवा टाइप और है माउंटेन का, जिसे गुंबदाकार पर्वत कहते हैं, डोम माउंटेन कहते हैं। एक आपका पांचवा जो टाइप होता है, पांचवा टाइप जो माउंटेन का, उसे बोलते हैं गुंबदा, गुंबदाकार पर्वत इसे कहा जाता है, मतलब डोम, DOME, डोम माउंटेन इसे कहा जाता है। डोम माउंटेन का निर्माण कैसे हुआ? तो डोम माउंटेन का निर्माण जो होता है, किसी स्थान पर, किसी स्थान पर अंदर से ऊपर की ओर उभार जब होता है, किसी स्थान पर जब अंदर से ऊपर की ओर जब उभार होता है, तो इसी से निर्माण होता है गुंबदाकार पर्वत का। तो इस तरीके से आपने चार प्रकार, पांच प्रकार देखा, उत्पत्ति के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण यहाँ पे पांच प्रकार देखा, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो ये सब पॉइंट को आप लिख लेंगे। छात्रों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमें पता चल सके कि आपको वीडियो कैसा लगा और उसी के अनुसार हम चीजों में और रिफॉर्म लाते हुए और बेस्ट तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करें। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।